हम जा रहे हैं आज कुछ बनाने कुछ खाने, और अभी जाने के टाइम पे पता चल रहा है कि हमारे पास सामान नहीं है ढंग से, तो अभी हम उसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और हमारे जो मास्टर शेफ है इधर खड़े हुए हैं। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे सामान की कमी लग रही है, अभी मठा लेना है, मतलब महीन लेना जरूरी है मठा, उसका स्वाद अच्छा आता है। अरे बनाएंगे बिरयानी वाले के पास। आते थे साइकिलिंग करते थे पहले, फिर यहाँ पे नहाते थे, वो भी मस्त पानी उधर, वो सही जगह है वैसे। अरे तो फिर मेहनत भी करना पड़ेगा, टाइम हो जाए तो भाई। यहाँ से हम पहले क्या है बर्तन वगैरह धो रहे हैं, फिर पानी वगैरह, क्योंकि पानी की बड़ी समस्या है, क्योंकि नदी का पानी तो यूज नहीं कर सकते, यहाँ का पानी वगैरह ले जाएंगे। और थोड़ी उधर अंदर नदी की तरफ है, वहाँ पे बनाएंगे तो वेज बिरयानी बनाने का प्लान है। तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा जंगल के इलाके में, मतलब जंगल नहीं है, यहाँ पर एक छोटी सी नदी टाइप है, और उधर बनाएंगे फिर हम हमारी दावत। वो बनती कैसी है ये तो आप देखिएगा पूरी इसकी प्रोसेस। यहाँ पर सांप भी हो सकते हैं, इसलिए जो बैतूल के नहीं है वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि बैतूल के लोग यहाँ पर परिचित हैं सांपों से। तो यहाँ पर एक चूल्हा ऑलरेडी है, तो हम ऐसा सोच रहे कि यहाँ बना लेते हैं, बाकी उधर भी गए बच्चे लोग देखने के लिए कि अगर उधर जगह सही होगी तो उधर भी बना सकते हैं। यहाँ पर जगह बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ कुछ खाने भी ना आए तो ऐसे बैठने भी आ सकते हैं शांति से, इधर बैठ के गाना गाने का और मज़े करने का ज़िंदगी के। ये है बिरयानी बनाने के लिए, आपको वेज बिरयानी बनाना हो तो इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब देव बताएगा क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, बताओ भैया बताओ। आलू की ज़रूरत पड़ेगी, प्याज की, चावल की, पानी की भी, और सब्जियों की जरूरत पड़ती है। खतरनाक चाकू लेके आए, उसमें कट भी नहीं रहे। उसकी मम्मी को आलू में आना नहीं है वापस। यहाँ पर जो छाछ है वो अलग से खरीदी है। यहाँ पर चीनू जो सब्जी काट रहे हैं, देव जो है वो आलू छील रहे हैं, और एक कहावत होती है ना घर में बैठ के क्या कर रहा है, तो आलू छील रहा है, तो भाई ये जंगल में छील रहा है। और इधर ये भाई साहब प्याज काट रहे हैं, ये इधर लकड़ी ढूंढने जा रहा है। ये अलग ही टाइप का देहाती ब्लॉग चल रहा है जिसका कोई सेंस ही नहीं है। उधर कहाँ जा रहा है, लकड़ी ढूंढने। तो इधर जला रहे भी चूल्हा, चूल्हे में तो बहुत टाइम लगता है ऐसा कह रहा था। अब देखते कितना टाइम लगता है आग अच्छी पकड़ने में। प्याज भी कट चुके हैं, तो अब आग लग चुकी है थोड़ी अच्छी, और अब जल्दी जल्दी अगर सब चीज़ कट जाएगी तो यहाँ पर चीज़ों को फिर फ्राई किया जाएगा पहले। प्याज डाल दिए हैं, तो प्याज जो है ये अब भूरे कलर के होंगे, तब तक इसको यहीं पर जो है उसको तेल में रखा जाएगा और आग को और बढ़ाया जाएगा तेज। इधर मिर्ची की तैयारी चालू है, इधर मिर्ची और सब्जियां भी रेडी है। उधर यहाँ पर सबसे मेन दिक्कत आती है कि जो आँच है आँच कम हो जाती है, उसके लिए बार बार लकड़ी को लगाना पड़ता है, और यहाँ पर लकड़ी तोड़ तोड़ कर दे रहे हैं।
और इधर एकदम चश्मा से लगा के खाना बनाने वाला शेफ आप देख क्या हुआ। तो भाई इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो डाल रहे हैं। अबे पत्ता गोभी डालो ना। भाई मिर्ची डाल दी। अब आ गई है इसमें शिमला मिर्ची। क्या ये आ गई यहाँ पर गोभी। तो आज कल दावत के शेफ है यहाँ पर राहुल, जो राहुल डिक्कू के नाम से फेमस है। ये आ गई पत्ता गोभी। देखते पत्ता गोभी के साथ कैसा स्वाद आता है। ये आ गए टमाटर। ये डल गई है, थोड़ा सा मसाले डल गए, हल्दी वगैरह, मिर्ची वगैरह, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर। ये आ गया थोड़ा सा पानी, जिससे कि थोड़ा सा जो है अभी कैसा रहा है कि जैसे चिकन बन रहा है भाई। अभी इस तरह का बन चुका है। अब थोड़ी देर में इसमें चावल डलने वाले हैं और फिर हम बैठेंगे आराम से कहीं। और ये चावल जो है इसको पानी में रखा था भिगा कर, तो अभी थोड़ा फूल गया है। तो ये आ रहे हैं हमारे चावल। तो ये आ गई हमारी सोया बड़ी, उसको भी मिला दिया जाएगा। ये पानी आ गया हमारा। तो पानी में इसको रख के फिर ढक दिया जाएगा। यहाँ पर धनिया जो है इसको कर रहा है साफ, और उसके बाद धनिया जो है आखिरी में डालेंगे। तो अभी ऐसा हो चुका है, थोड़ी और देर उसके बाद फिर हमारे मुंह के अंदर जाएगा। आप जो देख रहे हैं आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें चावल को ऐसे। तो भाई ये अब हमने चूल्हे से उतार लिया है और यहाँ पर रख दिया। अब इसमें है जो पानी थोड़ा सा वो होते रहेगा। और इधर अब हमने मठी की तैयारी कर रहे हैं, डाल दे डाल, इसमें बनाएंगे मठा। वो कैसी बनी है अब थोड़ा सा हम क्लोजअप में दिखाएंगे। तो जो है वो तैयार हो गई। बहुत टाइम लग गया। कितना टाइम लग गया? डेढ़ घंटा लग गया अब। लेकिन खाते हैं, मेरे को लगता है वो बिरयानी तो नहीं खिचड़ी टाइप की कुछ बन गई, लेकिन अब खाना तो पड़ेगा। बच्चे लोगों ने बनाई है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इनने बनाई आखिरी में, इसने बनाई थी इसलिए वो बेकार सी हुई है। तो अब हम देखते हैं कि कैसी बनती है, ठीक है? फिर हम बताते हैं स्वाद कैसा आता है, फिर आप भी ट्राई करना नहीं पे जाके, ठीक है? हमारी जो बिरयानी है, बिरयानी बन चुकी है। और आप देखो कि वो बिरयानी बनी है नहीं बनी है, वो आप डिसाइड कर लेना। और थोड़ा सा शक्ल उसकी सही नहीं दिख रही है। और एक और चीज़ हमने बनाया था मठा, तो मठा भी देख लो। ये है हमारा मठा। तो मठा जो थोड़ा लाल कलर का ज़्यादा बन गया। ये हमारे जिनने मोबाइल पकड़ा है वो, और ये हमारे भाई साहब है कि बोले उसमें लाल मिर्ची डालते हैं। हेलो दोस्तों, खाना खा रहे हो दोस्तों? देखो दोस्तों, मैं खा रहा हूँ दोस्तों। ऐसा खर्च करता है। तो भाई जिसको बिरयानी खाना है ऐसा बनाने का, ये उतनी अच्छी नहीं बन पाई है, लेकिन आप जो है वो थोड़ा यूट्यूब पे रिसर्च करना कि कैसे बनती है। हमने तो मन से पेल दिया जो है, तो ये खिचड़ी बन गई है। देखो खिचड़ी खा रहे हैं, ठीक है? हम खाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं।